Hello, everyone. <laughs> स्वागत तो है आप सभी का फिर से एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे कनेक्ट हो जाइए फटाफट यस माय डियर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन ओके एवरीवन यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी बात करेंगे फटाफट कनेक्ट हो जाइए आज सोविंद सर ने लेक्चर शेड्यूल नहीं किया है भाई भाई भाई, भाई जो लिख रहे हैं सोविंद सर ने लेक्चर शेड्यूल नहीं किया है तो यहाँ पर सोविंद सर का भी आ गया लेक्चर होगा थैंक गॉड सोविंद सर आप आ गए नहीं तो अभी कुछ हो जाता सभी लोगों को रिक्वेस्ट है सोविन सर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है सोविन सर के लेक्चर में जरूर जाना सोविन सर का लेक्चर होने वाला है सोविन सर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज और वो खुद वो बताएंगे तो अच्छा है सोविन सर खुद बताएंगे आपको यस माई डियर्स यस आज हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाए बजा आने वाला है बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो भी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है बच्चों वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो डेफिनेट में भी ओके डेफिनेट में भी यूज होता है बट डेफिनेट के अंदर प्रॉपर्टीज लगती हैं ठीक है एकदम प्रॉपर्टीज लगती है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे बहुत सारी अलग अलग आज इसका लेक्चर नंबर वन है आओ चलो देखते हैं एक बैच में में किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन है ओके okay. सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है तो देखो दे, जो इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनेट इस तरह से होता है इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो समझो कोई एक फंक्शन आता है बच्चों और एक कॉन्स्टेंट आ जाता है क्या आता है Constant of integration इस तरह से आ जाता है। है है? है तो तो ये होता क्या कि कोई एक फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसकी लिमिट दी होगी लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड इसका कुछ तो आंसर आएगा और यहाँ पर प्लस ही नहीं आएगा और ये जो भी आएगा ये कांस्टेंट आता है आंसर इसका आंसर समझो कि कुछ भी आ रहा है समझो ए एक कांस्टेंट आ रहा है इसका आंसर है ना परफेक्ट ये ए और बी के ऊपर डिपेंड होगा और नंबर आएगा कोई फंक्शन भी नहीं आएगा ठीक है तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन अब इसमें नया क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता या जो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ रखे थे कि नया क्या होता है जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि भाई साइन एक्स और हमें बोला जीरो टू पाई टू इस तरह से बोल दिया इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स

फिर कॉस इस एक्स की जगह पर जीरो रखते हैं माइनस अब कॉस नाइन जीरो जीरो इसका आंसर है यानी मैं यही बताना चाहता हूं कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो है इस तरह से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एक नंबर होगा ठीक है और अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आंसर आता है उसमें प्लस सी भी एक आएगा कॉन्स्टेंट और ये भी एक्स के फॉर्मेट में होगा अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करते करते हमारी इनडेफिनेट की भी तैयारी होने वाली है इनडेफिनेट की भी तैयारी होने वाली है ठीक है अभी मेन जो है प्रॉपर्टीज है जो आपको सीखना है अभी थोड़े से पहले मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जो बिना प्रॉपर्टी के यूज करके ही सॉल्व हो जाते हैं पहले वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ऑल ऑलबाइड पहले हम बिना प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन लेते हैं तो अभी सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है समझो जो यहाँ पर एक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे फट से आंसर दे देंगे देखो ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में आया क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है ईजी लेवल में काउंट होता है क्वेश्चन जैसे कि आपको मालूम है कि ईजी लेवल मॉडरेट लेवल और डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन होंगे ठीक है यस वाइट यार अभी यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन है जिसमें अगर हम बात करें नहीं है ठीक है ये देखो ये है लॉग एक्स ये लॉग एक्स और उसका डेरिवेटिव यहां बैठा है तो आपको जब भी इंटीग्रेशन करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो हमेशा एक बात याद रखना है कि हमेशा हमेशा अगर किसी का डेरिवेटिव बाजू में बैठा हुआ दिखाई दे अगर ई रेस्टू एक्स है तो वो आपने सीखा e x है तो क्या करना और समझो ई रेस्टू एक्स नहीं है तो भी क्या करना अगर कोई जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपन एक्स अगर तो आप तो इंटीग्रेशन कर रहे हो फिर डेरिवेटिव की बात कर रहे हो इंटीग्रेशन के के अंदर भी भी हम डेरिवेटिव 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 का का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जब भी किसी का आप उसको टी कर लो कि समझो है उसका क्या होता है log x का अपॉन और dx. ये हो गया, dt. जब भी ये करते हैं ना तो हम लिमिट चेंज करते हैं लिमिट मतलब क्या कि ये देखो x टू और है x थ्री है x की वैल्यू टू या तो थ्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिमिट चेंज करना कैसे करेंगे यहां पर जो x है ना उसकी जगह पर एक बार टू रखो तो t कितना आ जाएगा t log टू ये समझने के लिए है लिखने की जरूरत नहीं है अगर x की जगह थ्री रखे तो ये t क्या आ जाएगा log थ्री देखो यहाँ पर ये टू है तो क्या आ गया log टू और ये आ गया लॉक थ्री कुछ भी आता है आने दो तो टेंशन मत लो ठीक है अब देखो यहाँ पर ये टी है टी का पावर कुछ नहीं है वन है टी का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बस ऐसे करना है ये टी रेस टू वन है कुछ नहीं है तो टी रेस टू वन प्लस वन टू अपॉन टू ये इस तरह से आ गया नीचे लॉक टू ऊपर लॉक थ्री अब कैसे करेंगे तो ये आ चुका है अब कैसे करेंगे देखो ये टी स्क्ट टू आ गया तो ये जो वन अपॉइंट टू साइड में रखो टी की जगह लॉक थ्री रखो स्क्वायर और स्क्स टी की जगह लॉक थ्री रखा स्क्वायर अपॉइंट टू साइड में रख दिया माइनस लॉक टू द तो होल स्क्वायर ये कर दिया बट आंसर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है देखो यहां पर जो क्वेश्चन था वो बड़ा आसान था बट इसको सॉल्व करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है तो ये कैसे हो गया देखो हाफ लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या करोगे दोनों को एक बार प्लस करोगे ओके okay. और इनटू दोनों को एक बार माइनस करोगे है ना इस तरह से ऐसे करने से क्या होगा दोनों का देखो यहाँ पर लॉक कॉमन लेंगे लॉक कॉमन लिया लॉक तो ये थ्री प्लस है तो थ्री

एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए तो वैसे भी देखोगे तो इसको जितने स्टेप मैंने बताया इतने करने की जरूरत नहीं है रफ में जब करते हो फटफट -फट आप कर सकते हो ओके okay? <coughs> तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रॉपर्टी से जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी से ही करें प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी अभी आएंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो सब्सटीट्यूशन से हो जाते हैं जैसे मैंने बताया कि कभी आपको दिखे इस तरह से तो ये ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन होंगे ये देखो दो का बाईस क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व होगा एकदम ध्यान देखना बच्चों, यस माय डियर आ रहे गए आज आईपीएल कितने बजे है सर आठ बजे है ना भैया देखो हमारे टाइम टेबल में आईपीएल नहीं है सब आया करो हा मजा आएगा एकदम ओके देखो अब यहाँ जीरो टू पाई बाई टू है अब यहाँ पर देखोगे ना ये कॉस का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है x मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूँ जब भी आपको किसी का डेरिवेटिव बगल में बैठा हुआ दिखाई दे उसको टी समझ लेना है किसको जैसे ये कॉस एक्स है तो आप कॉस एक्स को टी समझ लो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है वो डी टी हो जाएगा तो यह माइनस है नहीं तो आप माइनस लगा के एडजस्ट कर लो अब माइनस साइन एक्स हो गया माइनस लगाया माइनस माइनस प्लस होता है ठीक है जानबूझ कैसे किया? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे हो जाएगा बच्चों ये जीरो टू ये लिमिट भी चेंज कर देंगे

अगर आपको लिमिट चेंज नहीं करना है देखो जिसको डर लगता है कि भाई मुझे लिमिट चेंज करने डरने का नहीं आप अगर लिमिट नहीं चेंज करना चाहते तो भी तरीका है क्या ये टी है ना टी ये टी की जगह पे ये रख दो क्या कॉस एक्स तो भी चलेगा अभी जो एक्स की वैल्यू थी वो रखो कोई बात नहीं बट तो लिमिट चेंज करना अच्छा होता है क्योंकि हमें बार बार लंबा स्टेप नहीं करना पड़ता तो हाँ अगर आप लिमिट चेंज ना करना चाहो तो उसका तरीका है ये टी की जगह पे कॉस एक्स लिख दो और बाद में यही वैल्यू रख दो लिमिट चेंज नहीं करना पड़ेगा ठीक है वो भी एक अगले क्वेश्चन में करके बताऊंगा यस डियर्स अब देखो ये एक्स जीरो है और एक्स पाई बाई टू है यहाँ पर देखो ये जीरो पाई बाई टू टी क्या हो जाएगा बच्चों टी कॉस एक्स यानी कॉस जीरो वन ठीक क्या हो जाएगा पाई बाई टू रखा कॉस नाइन टी यानी जहां जीरो था उधर वन हो जाएगा जीरो था उधर वन जीरो नीचे था नीचे वन हो गया

जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन लिए हैं जैसे ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चों तो आपको पहला टाइप में बता रहा हूँ जिस टाइप में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी का कोई डेरिवेटिव अगल बगल बैठा है उसको टी कंसिडर कर लो बड़े आसान होते हैं ये चैप्टर तो बहुत ईजी है बहुत ईजी है प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और मजा आएगा चलो और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं आ, देखा जाए ये क्वेश्चन जीरो टू नाइनटी ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसको बताता हूँ मैं यस yes, डियर ये अभी बताता हूँ मैं इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे प्रॉपर्टी अभी सिखाया नहीं है वन अपॉन वन अभी यह टेन का डेरिवेटिव वगैरह है नहीं तो ये जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा अभी पहले प्रॉपर्टी आपको सिखा लूँ फिर ये बताता हूँ अभी ये क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार आया हुआ है जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी ना बच्चों तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि कैसे होगा देखो जरा एकदम फटाफट फड़। <coughs> एकदम एकदम शॉर्टकट वगैरह आएगा बेटा अभी कुछ जनरल क्वेश्चन लिए मैंने कि डेफिनेट का प्रोसेस अभी सारे वगैरह भी आएगा हु? देखो ये जैसे होता है ना यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का आंसर दिया हुआ है पाई अपॉन सिक्सटीन हमें बोला कि के की वैल्यू क्या होगी के मतलब ये रहा तो बेसिकली कैसे करना होता है देखो ज्यादा स्टेप मत लिखो ये हो गया अगर मैं टू कॉमन ले लू तो भी चलेगा यहाँ पर टू और एट है अगर मैं टू कॉमन ले लूँ ये ये सही हो जाएगा वन अपॉइंट टू कॉमन और ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू कॉमन तो ये फोर एक्स स्क्वायर है ना टू कॉमन तो वन हो गया और ये एट में से टू गया तो फोर फोर एक्स को मैं टू एक्स तो होल स्क्वायर लिखता हूँ थ्री एक्स और ये फाइव बाई स इस तरह से लिमिट है जीरो टू के वो मन में रखो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अभी देखो ये टू से ये मैंने सिर्फ टू कॉमन लिया है बराबर सिर्फ टू कॉमन लिया टू से ये कट हो गया एट 2, 8, 16. ये है तो ऊपर जाएगा ऐसे अब देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स के बदले तो टू एक्स था इंटीग्रेशन तो में क्या करते हैं एक्स के बदले जो भी है उसका डेरीवेटिव लेके डिवाइड करते हैं तो एक्स के बदले टू एक्स है टू एक्स का डिवाइड 2, 2 कर दिया यहाँ पर ये क्या आ गया जीरो टू के यहाँ पर है पाई अपॉन एट अब ये टू वहाँ गया ऊपर तो ये कैंसिल है ना ऊपर 2, 2 गया टू फोर जट अब कैसे करेंगे अब ये जो एक्स की जगह के रखना है ये हो गया टेन इनवर्स टू के माइनस अब एक्स की जगह जीरो रखना है tan इनवर्स जीरो और यहां पर है पाई 4। अब देखो टैन इनवर्स जीरो 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 होता है तो tan इनवर्स जीरो भी जीरो ये जीरो हो गया और ये टेन इनवर्स टू के और ये पाई बाई फोर अगर बात करेंगे चलो नहीं बात करो ऐसे करो टू के के की वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स वहाँ गया तो tan पाई बाई फोर n by by 4 होता है 1 तो 2k is equal to 1 तो k 1/2 ये बेसिक क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है k 1/2 यहाँ पर जो k है 1/2 है लिमिट ही पूछ लिया लिमिट पूछ लिया समझ में आ रहा है कैसे करना मेजर ऑफ डिस्पर्सन आणि फंक्शन चे लेक्चर होणार का हो 11 वी चे पण सर्व लेक्चर घेणार आहे चैट पण भगत जा हो भक्तो है।, तो है ओके थोड़ा फास्ट पढ़ाई है ओके बेटा थोड़ा फास्ट भी जाएंगे फिर कैसा चल रहा है एकदम मस्त मजेद दोन दिवस आम्मी नव तो रविवार सोमवार छुट्टी दिली होती होली सा फिर होली सा दिली होती का सर रविवार अचानक कहीं तरी चैनल होता ये, ये श्रावणी चुकल है हो गए बच्चो रविवार को तो होली नहीं था रविवार को क्यों छुट्टी दिया था क्या आप लोगों ने चैनल पर कुछ न्यू देखा जो हमने कुछ सस्पेंस बना के रखा था और अचानक से चैनल पर कुछ लाइव चालू हो गया हमारे चैनल पर और वो जो लाइव था जिस लाइव के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी ओके क्या आपको याद है संडे को क्या है था बगित लगा रविवार काय ज़्यादा होते थे बगित लगा रविवार नवीन मुंबईत यस प्रणय प्रणय लिखित बरोबर एजुकेटर्स अवॉर्ड बरोबर बरोबर तो, तो भाइयों यस बच्चों थोड़ा बोलना चाहेंगे बहुत सारे बच्चों को पता है आपको स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया गया गौरव चौबे आपको भी ऐसे फील हुआ क्या स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया गया गौरव लिख रहा है आपको स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया गया गौरव ने पूरा देखा नहीं लगता है सगले यूट्यूबर्स होते फंक्शन मध्य संकेत पवार लिखो तो सर्व टीचर्स आले होते बर एक एक का है। का है टीचर बरबर तो बच्चो मुझे स्टेज पर बुलाया नहीं गया ऐसा नहीं था हम मुंबई के यूट्यूबर की जो यूट्यूब टीचर्स है उनको मैंने जमा किया था उनके साथ मीटिंग की थी पिछले दस दिन से तैयारी कर रहे थे हम एंड पिछले दस दिन में मैंने और हमारे जो साथी टीचर्स हैं हमने मिल के ओ, जितने भी पॉसिबल हुए सभी टीचर्स के से कांटेक्ट किए कांटेक्ट निकाले उनके और सबको मैंने फ़ोन किया एक बार नहीं दो दो तीन तीन, तीन बार उनको फॉलोअप किया ओके तो बुलाया मुंबई में हमने दस दिन पहले ही मतलब पूरा ऑडिटोरियम बुक किया था खाना रखा था नाश्ता रखा था वन मिलियन सेलिब्रेशन विथ टीचर ये एक्चुअल वो था कि मुझे सेलिब्रेशन करना था एंड उसके लिए हमने एक इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर दिया था एंड आई वाज ऑर्गेनाइजर और मेरे साथ मुंबई के सब टीचर्स थे और हमने सबको बुलाया सबको बहुत सम्मान दिया हमने क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है जितने लोग हैं जवड़े का ही टीचर होते पूर्ण महाराष्ट्र प्रत्येक जिल्त होते बगित प्रत्येक खूब मेहनत घर महाराष्ट्र जेवढे विद्यार्थी विद्यार्थिनी आहेत त्यांच्यासाठी प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक विषयामागे धडपड करत असतो आणि तो एका रूममध्ये किंवा स्टुडिओमध्ये असतो आपल्या स्वतःच्या आणि तिथून तो हे सर्व करत असतो आणि हे करत असताना आपल्या समोरची जी मुलं आहेत ती पूर्ण आपल्या जिल्ह्या किंवा राज्याच्या कोण्यामध्ये कोपऱ्या कोण्यात असतात पण समोर नसतात आणि त्यासारखेच अजून शिक्षक आहेत ए, एक फक्ता मो, बगता। ते एकमेकांना फक्त मो युटवर बघतात पण प्रत्यक्षात ते कधी बघितलेले नसतात आता त्या लोकांना मी एकत्र आणलं आणि त्यामागे खूप मेहनत होती म्हणून मी मागचे दोन तीन दिवस म्हणजे शनिवार असो शुक्रवार माझं लेक्चर युट्यूबवर झालं नव्हतं कारण त्या कार्यक्रमात मी व्यस्त होतो ओके त्या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी आणि मला स्टेजवर बोलवलं गेलं नाही कारण ते सर्व प्लॅनिंग माझीच होती की मी स्टेजवर जाणार नाही आपले जे बंधू आहेत दुसरे युट्यूब टीचर आहेत त्यांना आपण सन्मानित करूया त्यांना आपण स्टेज देऊया त्यांची जी मेहनत आहे त्यांनी काय केलं कसं केलं ते आपण ऐकूया ओके तर तसं नाही आहे मला कोणी स्टेजवर बोलवलं नाही ओके मी स्वत ऑडियन्समध्ये बसलो होतो बरोबर कारण तो आपला दिवस होता आपल्या शिक्षकांचा दिवस होता चला खूब खूब आभार मैं मुला है पगू नंतर सीटी एग्जाम हो दे ऐसे ही जैसे टीचर्स के लिए हुआ ना बच्चों वैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए करने वाला हूँ गाइस चलो जीरो टू बाय फोर ओके आता प्रश्न कसा बगा वन माइनस साइन टू एक्सन रूट मध्य तुम्हारा तो तो है प्रश्न कॉस टू एक्सप महत्वा फॉर्मुले मुलायर एक्सन स्क्वास कभी ही काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूले है जो बार बार यूज होते हैं ओके वन प्लस साइन टू एक्स एंड वन मैनस साइन टू एस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क् एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दीज आर दिंग्स ओके ठीक है ये फॉर्मुलेज अत आप ले ला पार्ट हो याद करके रखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी दिखे ना सीधा यूज करने का यहाँ पर जो भी है उसका आधा यहाँ होता है एकदम एकदम ओके okay? वन मैनस साइन टू एक्स ला विचारलेला प्रश्न द होल आता होल स्क्टर बह वन मैनस साइन टू एक्स इज कॉसेक्स मैनस साइन एक्स द होल आता हत्या okay, तो, जागी एक्स माइनस साइन एक्स द होल स्क् लिखा स्क्वायर स्क्वा हो रहा एन्सर कॉसेक्स माइनस साइन एक्स बस एवड स्क्र कुछ गुट घेन ग इंटीग्रेसन साइन एक्सार्ट होता नहीं प्लस मे साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस आधीपासन पा सी ने स्टार्ट होता अजू मैनस मैनस माइनस प्लस आता जीरो टू पाई बाय फोर लगे वैल्यूवाइन फोर्टी फाइव इज वन बाय रूट टू प्लस कॉस फोर्टी फाइव इज वन बाय माइनस साइन जीरो

आकाशाला गवचणी घालण्याची शिकवण देण्यासाठी मला साहसी बनवण्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार धन्यवाद ठीक आहे अजून एक क्वेश्चन आहे बघा आता दोन हजार एक सौपा प्रश्न विचारला होता कुछ दो हजार तेईस का दो हजार तेईस में बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था बट देखने में सिंपल है क्या सॉल्व कर पाएंगे कैन यू टेल मी वॉट इज द मैथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन करना कैसे होगा ये क्या लग रहा है देखो कभी भी बच्चों लॉगरिथमिक कोई तो फंक्शन है लॉग है या तो इनवर्स वाला फंक्शन है ऐसे अगर वो अकेला और इंटीग्रेशन निकालना है लॉग या तो इनवर्स हाँ इन दोनों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम इसके साथ ऐसे अज्यूम करते हैं कि इसके साथ कुछ नहीं है तो इंटू वन है गे? यू इंटू वी ली फॉर्मूला या तो आईलेट फॉर्मूला याद आ रहा है तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं इनवर्स है या लॉग है हमेशा इंटू वन करो तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा दो हजार तेईस में पूछा था सिंपल चीजें होती है अगर आपका फर्स्ट स्टेप आ गया ना तो आगे भी आएगा बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हमें पता ही नहीं चलता करना कैसे देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वन ओके यू इंटू वी तो यू फिर वी इंटीग्रेशन हाँ वी मतलब वन इंटीग्रेशन वन इंटीग्रेशन वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ये हो ये एक्साला माइनस मोटा इंटीग्रेशन परत वन च इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस इनवर्स डेरिवेटिव कॉस इनवर्स डेरिवेटिव इज माइनस वन अपॉन वट इज कॉस इनवर्स डेरिवेटिव रूट वन माइनस एक्स स्क्वेर कॉस इनवर्स डेरिवेटिव साइन इनवर्स डेरिवेटिव इज वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स डेरिवेटिव दिस कैसे किया सर ये तो वी हैव अप्लाइड यू इनटू रूल ओके यू शुड रिमेंबर दिस ये हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके दिस वॉज देयर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका इस्तेमाल करना है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओके यू इंटू वी रूल जो था वो किया एक बार बता देता हूँ आपको u इंटीग्रेशन v dx एक्स माइनस लाइक दिस ओके डेरीवेटिव ऑफ u इसको याद ही करके रखो परेशान मत हो जाना अभी देखो तो ये जीरो टू वन है जीरो टू वन है और ये जीरो टू वन है ओके okay, इसका लिमिट पूरा यहाँ पर रखना होता है इसको सिंप्लीफाई करो एक बार वन रखो कॉस इनवर्स वन कॉस इनवर्स वन कॉस जीरो वन होता है कॉस इनवर्स वन मतलब कॉस इनवर्स वन ये जीरो हो गया जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया माइनस जीरो रखो कॉस इनवर्स जीरो वन वन इंटू जीरो जीरो पूरा जीरो ही हो गया पहला पार्ट जीरो हो गया अब ये सेकेंड पार्ट देखते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर माइनस 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 नहीं देखो अभी हम लोग ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं देखो एडजस्टमेंट आपको ये प्रॉपर्टी uh, पता है कि अगर कोई फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा है आपको सिखाया मैंने तो ये लॉग एफेक्स होता है बच्चों लेकिन अगर कोई फंक्शन नीचे बैठा है बेटा और वो रूट में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो fx, like समझ रहे हो? <coughs> अब देखो, यहां पर नीचे जो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है वन का जीरो माइनस एक्सर का माइनस टू एक्स यहाँ पर माइनस एक्स है इंटू टू कर दो इंटू टू और अपॉन टू कर दो टू टू कैंसल जान बुझके माइनस टू एक्स आ गया देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो गया तो इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर वन बाई टू है इन टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन रूट में कुछ है तो टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स टू टाइम्स ये जो रूट में है वो आ जाएगा और इसका हम लिमिट कर देंगे जीरो टू वन हाफ एडजस्ट किया था 22 कैंसल खत्म कहानी देखो 0 मैंने 0 0 माइनस आया अभी रूट ये 1 माइनस एक्स की जगह एक बार एक्स की जगह वन रखना 1 माइनस 1 0 माइनस रूट अभी एक्स की जगह जीरो रखना 1 माइनस जीरो लाइक दिस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जीरो 1 1 स्क्वायर रूट इज़ 1 आंसर इज़ आया समझ में आया समझ में ठीक है बच्चों कैसे करना देखा आपने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है इस तरह से करना होता है आपने देखा ये सॉल्व नहीं होगा तो भी हम यू इंटू वी रूल से सॉल्व करते हैं यू इंटू वी रूल से सॉल्व करते हैं यस yes. तो इस तरह से हो गया अभी और कुछ अलग अलग चीजें करते हैं अलग अलग चीजें करते हैं और ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 2023 में पूछा था एंड मैं चाहूंगा आप बताओगे यू विल टेल मी आंसर मैं सिर्फ इतना पूछूंगा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि क्या मैं सिर्फ इतना बोलूंगा ये yes ये जो है ना यहां से यहां तक इसको सॉल्व करो इसका फॉर्मूले से आंसर क्या होगा वॉट विल बी द एंसर फॉर दिस इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बता दो कि सिर्फ कॉट इनवर्स ये और कॉट इनवर्स इसका आंसर क्या होगा मैंने बहुत जोर देके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये कांसेप्ट बताया 2023 ऐसा क्वेश्चन 11th में को पूछ दिया था भाई देखने में इतना टफ क्वेश्चन बाप रे देवा 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 केवड़ा मोटा क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन बट बड़ यार इतना सिंपल क्वेश्चन है इतना सिंपल क्वेश्चन है याद आ रहा है कुछ पाई बाय 2 वेदांत ने बताया पाई बाय 2 वेरी गुड विराज भी बोल रहे हैं पाई बाई टू मैंने इसका आंसर पूछा क्या आएगा तो पाई बाई टू आएगा इसका आंसर ओके okay, पाई बाई टू कौन कौन बता रहा है कैसे हो गया देखो ये कॉट इनवर्स को आप टैन इनवर्स करोगे ना टैन इनवर्स तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे देखो ये टन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स याद करो अगर टैन इनवर्स है और कॉट इनवर्स है इधर भी एक्स दोनों का एंगल सेम है ये एक्स तो आंसर आता है दोनों का एंगल सेम देखो तो ये अलग था कॉट को तो टैन तो इनवर्स किया तो सेम हो गया ये स्क्वायर प्लस वन ऊपर हुआ इसका आंसर आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना है खत्म <laughs> बाई तो टू कॉन्स्टेंट है और इधर वन होगा वन का इंटीग्रेशन एक्स और माइनस वन थ्री खत्म टू एक्स की जगह थ्री रखना थ्री माइनस माइनस वन रखना माइनस वाइनस प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर वन फोर टू टू जो फोर टू पाई ठीक है तो ऑप्शन इज डी टू पाई समझा क्या कभी का क्वेश्चन है कभी का क्वेश्चन है <laughs> दोन हजार तेवीस मध्य केवड़ा सोपा प्रश्न होता आता तुम्हारा समझतेन्शिशन मध्य चल संगे कन्सेप्ट कुछ ही विग्नोमेट्री तो। चे कन्सेप्ट तुम्ही कुठेही वापरू शकता आणि ते प्रश्न कुठेही तुमच्या समोर ओके इथे अवेलेबल होऊ शकतो ओके तो प्रश्न ठीक है तो इस तरह से बच्चे होते हैं भाई आपको देखने में ऐसे लगेगा टब अब ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी फॉर्मुला होता है जो बच्चे मेरे रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं उनको पता होगा जिनको नहीं पता है फॉर्मूला रिफर करो बेटा ठीक है ओके इसमें बहुत सारे जो है ट्रिक लगेगी मैं बता रहा हूँ अभी तो ये क्वेश्चन है भाई ये 2023 का क्वेश्चन है भाई। 2023 हजार तेईस का प्रश्न ओके इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एकदम ध्यान देना भाई ये जो मतलब ये जेई लेवल का क्वेश्चन है जेई का क्वेश्चन है जो पूछा गया था बट सच बोलूँ ना ये इतना इजी क्वेश्चन है ओके बट ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन ये जेई मेंस की टेक्स्ट बुक में है जे मेंस का पी वाई क्यू है वहाँ से उठा लिया था क्वेश्चन और ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों खाली ना देखने में ऐसे लगता है कि यार ये अननोन पैसेज है कि क्या है ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है ओके okay. so, कैसे होगा करना नहीं है जो बोला है वो पहले देखने का क्या है आई एन इज इक्वल टू जीरो आई ट्वेल्व प्लस आई टेन निकालो अब देखो ये एन की जगह पे ट्वेल्व रखना है बच्चों और फिर टेन रखना मतलब इसको दो दो बार करना है आई एन एन मतलब ट्वेल्व और फिर आई टेन दो दो को दोनों को प्लस करना है समझ रहे एक ही इंटीग्रेशन को दो फॉर्म में लिखना एक बार एन की जगह ट्वेल्व रखना एक बार टेन रखना ओके तो कैसे करेंगे और दोनों को प्लस करना दोगा दो कंबाइन कर दो करू आई ट एन ऐसी ट्वेल की, की प्रश्न मधे एन ऐसी टेन आई टेन टेन रेस टू टेन थीटा आता हा प्रकार घड़े ठीक है आता जे लिमिट आना डी डिटा जीरो टू बाय बाय फोर चेंज कराए नहीं जो तो पर्यत अपन सब्सटीट्यूट करोपर्यंत अपन चेंज नहीं करना ठीक है आता का, का प्रकार हा का नवीन कॉन्सेप्ट होता अपने कड़ी ओके आता नवीन का या, या नर मुला बह इन बहुत जे ओके? तो है ओके लिखित इक्वल टू कॉमन दिते तुम्हारा दह मध्य दान है अपन कॉमन घेना मैं टेन रेस टू टेन इकड़े इकते टेन रेस टू ट्वेल ट्वेल पैकी बाहर अलग अधिक दून रहते पूर्ण बाहर कॉमन घर अपन बाहर वन आता इंटीग्रेशन जे है ठीक है आता हे बघा वन प्लस टेन स्क्वेअर म्हणजेच काय हा खूप सोपा प्रश्न आहे पण दिसायला अवघड आहे हे झालं वन प्लस टेन स्क्वेअर असतो सेक्स स्क्वेअर थिटा आणि तुम्हाला आता माहीतच आहे काय माहीत आहे की जेव्हाही एखादं फंक्शन असेल आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह बाजूला बसलेला असेल तर आपण त्याला टी घेणार आता ह्याला आपण टी असं सबस्टिट्यूट करतो टी टी रेस्ट टू टेन थिटा मग ह्याला टॅन थिटाला टी घेतला थिटा नको

टी टी यानी एक लिया टू इलेवन इज वन, वन माइनस जीरो, जीरो आता टी ऐसी सब सेटिंग में लगे हैं अंशुमन किसकी सेटिंग में लगे हो भाई कौन सी सेटिंग में लगे हो बेटा प्रांजल आप हेल्पलाइन पे मैसेज करो आपको डिटेल भेजते हैं आपके हाँ हेल्पलाइन हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना दिनेश सर टीम का उस पर मैसेज करो ए कौन सी सेटिंग में लगे हुए अगले समझा गया कौन है सेटिंग कर रहे कौन सी सेटिंग कर रहे हैं भाई भाई तुम लोग का जमाना एकदम बदल गया भाई ऐसे भाई ओके इतना जमाना बदल गया है ना अभी प्रॉपर्टी वगैरह और ये सब सिखाने वाला हूँ ओके कि तो भाई चौथी पांचवी में प्यार हो जा रहा है बच्चों को चौथी पांचवी में हमें चौथी पांचवी में कुछ पता नहीं था हमारे बच्चों को चौथी पांचवी में ही प्यार हो जाता है और दसवीं तक आते इलेवन तक तो फिर बोलते मेरा बचपन का प्यार है बचपन का प्यार है क्या बोलते सर सच्ची तो आज ही एक घटना हो गई बेचारा लड़का परेशान एक घटना हो गई एक लड़का परेशान दसवीं की एग्जाम खत्म हुई दसवीं की देखो ये निशित क्या लिख रहा है क्या सिखाते हो सर आप मेरे तरफ से पप्पी आपको अगले बचा के रख बाद में काम आएगा उसके लिए ठीक है लड़का परेशान बोर्ड का पेपर चेक कर रहा हूँ लड़का आ रहा है मिलने के लिए सर बोल बता रहा है मैं कल मरने गया था रेलवे लाइन पे मैं कूद के जान देने वाला था बोले क्या हो गया सर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे ना बोल दिया सर मैं बहुत सालों से उसे प्यार करता था मैं बोला अभी तू टेंथ में से अभी एग्जाम खत्म तो हुई ना तेरी हाँ सर अब मैं क्या करूँ जी के क्या करूँ जब दिल ही टूट गया तब जी के क्या करें मैं और मुझे अंदर से इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बोलूँ आजकल के दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे होते हैं और इतना टूट जाते हैं कि यार बस नशे काट लेंगे सुसाइड कर लेंगे ये सब नहीं करना है उसको मैंने काफ़ी समझाया मोटिवेट किया मेरे दोस्तों की कहानी बताई है मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था वो अभी बहुत बड़े लेवल पे उनका प्रो फेसबुक प्रोफाइल दिखाया कैसे वो विदेशों में घूम रहे हैं मर्चेंट नेवी में गया एक लड़का उसके साथ यही हुआ था उसने अपने आप को करियर पर फोकस किया ओके गया इंतकाम <laughs> और फिर वो खुद पानी पे तैरता है यानी मर्चेंट नेवी में शिप में ऑफिसर है और उसको उसकी जब शादी हुई तो किसी एक एयर होस्टेस से हुई और उसकी बीवी हवा में उड़ती है उसको पूरी स्टोरी समझाई वो बहुत मोटिवेट हो गया और अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा ऐसा उसने कमिटमेंट किया है मतलब चलो बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या है ये सब बस जिंदगी खत्म हो गई ये सब नहीं करना है यार आगे बहुत लाइफ है अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है पढ़ने लिखने के दिन है चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है अभी हम लोग देखो अभी तक बेसिक क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आते हैं जो बिना प्रॉपर्टी और बिना शॉर्टकट के सॉल्व होंगे कोई तुक्का भी मार सकता है कोई शॉर्टकट भी लगा सकता है कोई लगेगा तो हाँ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटा ऑड इवन प्रॉपर्टी ये क्या होती है प्रॉपर्टी बच्चों देखो अगर नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है हाँ जी नीचे भी यही है ओके ऊपर भी वही है और एक फंक्शन है यहाँ पर तो यहां पर यार आपको याद रखना है कि जस्ट ऑड एंड इवन चेक करो जस्ट ऑड एंड इवन चेक करो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऑड निकला अगर हमारा फंक्शन ऑड निकला जीरो विल बी द आंसर यह बहुत कड़क होता है मेरे दोस्त अगर मेरा फंक्शन ऑड निकला तो आंसर जीरो और इवन निकला तो ऑड निकला तो जीरो इवन निकला तो क्या होगा इवन इवन निकला तो ये इसका आंसर ये होगा जो था वही रहेगा सब कुछ ऊपर ए है नीचे जो ये माइनस है वो जीरो हो जाएगा और यहां टू से. Even हुआ तो सर ये क्या है Odd even क्या है ऑड इवन ऑड इवन क्या है ध्यान से देखो ऑड इवन क्या होता है ये जो फंक्शन है हमेशा एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखने का देखो अगर ये एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रखो अगर मेरा ये आंसर एफ एक्स को से एफ एक्स के निगेटिव ये माइनस अगर बाहर आ गया और एफ एक्स हो गया ये हो गया तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन ऑर्डर ये चेक करने का तरीका है। ये चेक करने का तरीका है और अगर समझो एफ ऑफ माइनस एक्स है और इसका आंसर एफ एक्स को सेम आ गया मतलब माइनस आया ही नहीं मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों सेम है मतलब माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है कोई इज्जत ही नहीं गजब बेचती है पंचायत त्री आ रहा है <laughs> अनाउंस हो गए हैं तो यार अगर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों सेम रहे माइनस नावे तो ये इवन होता है इवन होगा तो मेहनत तो करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन सॉल्व करना लेकिन अगर मैंने चेक कर लिया फंक्शन ऑड है तो भाई डायरेक्ट आंसर जीरो बस ये कंसेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के आते हैं आते हैं आते ही हैं ठीक है <laughs> यस यस yes. चलो करें क्वेश्चन अब ये सब है देखते हैं और लेकिन एकदम इजी वाले नहीं आएंगे थोड़े से अतरंगी रहते हैं यस ये ये देखते हैं पहले ये देखते हैं फिर अलग अलग कंसेप्ट मैंने लिया है सब बताऊंगा कभी का है दोन हजार बावीस का प्रश्न है क्या सुधा तुम्हें टाइप पर वे फोकस करा प्रश्न चाइप का है बता चेक कभी कराए कब चेक करने का कि भाई ऑड इवन है अगर ये दोनों सेम 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 सेम, सेम नीचे वाला माइनस है ऊपर प्लस है तो चेक करने का ऑड इवन है सबसे पहली बात आप ऑप्शन में देखोगे जीरो है क्या अरे होए तो यार एकदम फुल चांसेस है ऑड होने के अगर मेरा फंक्शन ऑड हुआ तो आंसर थी जीरो ही होगा पहले तो हमें ये पता करना है कि ये माइनस प्लस है मतलब ये ऑड इवन वाले से हो सकता है और अगर ऑड हो गया तो आंसर जीरो तो अभी सी के फुल चांसेस है फुल चांसेस है तो कैसे करेंगे देखो एक बार इसको एफ एक्स लेते हैं एकदम वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स देखो मैं चेक करना सीखा था अभी समझो तुम्हारे हाथ में कोई बच्चा आ गया और चेक करना है कि बताओ ये लड़का है कि लड़की है करते हैं ना चेक तो ऐसे ये फंक्शन है बताओ ये ऑड है या इवन है तो उसका तरीका क्या है तो इसका तरीका तो, उसका तरीका तो सिंपल है भाई उसको तो देख लो और पता चल जाएगा बट इसका तरीका क्या है इसका तरीका है कि जहां पर भी x है वहां माइनस एक्स रखना हर जगह हर जगह जहां भी x है माइनस एक्स रखना अब ये वन x एक माइनस एक्स रखे माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा अब इसको क्वेश्चन जो एफेक्ट था उसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो अब देखो ये लॉग है वन माइनस एक्स अब ना मैं जान बुझ के ना ये ऊपर वन प्लस एक्स चाहिए ये सेम फंक्शन यहाँ रिपीट करने की कोशिश इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ लॉग ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ऐसा कर सकते हैं अगर मैं माइनस वन करूँ तो माइनस वन किया मतलब ये पलट गया क्योंकि मुझे यही वापस लाना है फैक्स अब ये माइनस आगे आ गया तो माइनस वन आगे आ गया लॉग है इसको खींच लेगा और ये जो है ये आ गया देखो ध्यान से समझने की कोशिश तो ये आ गया अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया Log 1 plus x upon 1 minus x आया यानी ये क्वेश्चन मतलब fx था मतलब ये ऑड है ऑड है मतलब अपना आंसर जीरो है All करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ओके okay. समझ तो में आ गया नंदिनी बेटा दे रहा हूँ बेटा दे रहा हूँ बेटा सब आएगा शॉर्टकट्स वगैरह सब आएगा देखो अभी एक है ऑड इवन चेक करने का अभी शॉर्टकट्स भी इसके देने वाला हूँ ओके बच्चो तो अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन है एक ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है मैं चाहूंगा आप करो देखो बिल्कुल ये दो हजार बाईस के अलग अलग शिफ्ट में आए थे एक आया था दस अगस्त को लॉग वन प्लस एक्स था वन माइनस एक्स था और ये माइनस ही क्वेश्चन आया था दो हजार बाईस को यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन है इससे समझ में आता ऑर्ड इवेंट चेक करना है और सेम जहां पर देखो ये वन और वन था वन प्लस एक्स वन ये टू है इसको भी करोगे यहां पर देखोगे डी में जीरो है डी ऑप्शन है ये ऑड आने वाला है कैसे ये ऑड फंक्शन है कैसे अभी देखो सेम सेम वैसे ये जैसे चेक किया ना ऐसे चेक करना है जहां भी वन था वहां टू है प्लस नीचे था माइनस ऊपर कोई बात नहीं वही आ जाएगा एक्स की जगह माइनस एक्स रखना और करना है एकदम इजी वाला क्वेश्चन आएगा क्या नहीं एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है अभी एक और देखते हैं एक और देखते हैं हाँ ये वाला अब यहां पर देखोगे log वन बाई टू है log वन बाई टू को हम टू रेस टू माइनस वन कर सकते हैं ये टू रेस टू वन है टू रेस टू वन है log वन बाई टू इज वॉट वन बाई टू मतलब टू रेस टू वन ये वन अपॉन है ये ये माइनस आया तो माइनस लॉग टू हो गया तो log वन बाई टू कैन बी रिटर्न एज माइनस लॉग टू अब देखो ऊपर लॉक टू है नीचे माइनस लॉक टू है सेम 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 और ये माइनस ये प्लस है मतलब ऑड इवन चेक कर सकते हैं ओके अब ऑड इवन कैसे चेक करना जीरो है क्या देखो इसमें हाँ अरे ऑड होने के चांसेस है और नाइन्टी परसेंट चांस है कि जीरो ही होगा ऑर्ड हुआ तो जीरो ही होगा समझ में आ ये कभी आया था ये भी टेंथ अगस्त को आया था दो तो हजार बाईस के शिफ्ट टू में आया था अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है

दोनों के नीचे e x कट गया। अभी देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था एफ एक्स वो क्या था इेस्टू एक्स माइनस वन था ये उल्टा इसमें से माइनस कॉमन इसमें से देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस टूपुक करके बाहर आता है और माइनस साइन थीटा हो जाता है तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन माइनस माइनस एकदम बाहर आ जाएगा ऐसे और ये माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया e रे टू x 1 और तो नीचे प्लस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं अब आप देखोगे ये जो है साइन ये क्वेश्चन ही आ गया ना सेम आ गया fx ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया ये सेम आ गया fx तो हमारा जो क्वेश्चन था f ऑफ -x minus fx क्या? समझ गए समझ गए मतलब ये ऑड है अगर ये ऑड है तो ये जीरो है डी ऑप्शन इज राइट ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कर लेने का ओके ट्रैकिंग आईडी में आइटम डिस्प्लेज बता रहा है बेटा मतलब वो ऑन द वे है आपके पास कुछ दिन में दो चार दिन में पहुंच जाएगा ठीक है टेंशन मत मतलब। लो तो आपने देखा किस तरह से ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी ये जो मैं बता रहा था ये इसके लिए भी ये सेल्फ अच्छा एक और है रुको एक और है ये स्टडी करना है सिमिलर है ये सेम क्वेश्चन देखो आ, अलग अलग शिफ्ट में आया था यहाँ पर कि ये वाला कहा गया ये वाला ये सॉल्व किया वैसे ही अभी आ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसको भी वैसे ही करना है देखो यहाँ पर ऊपर पाई बाई फोर है माइनस पाई बाई फोर है ये दोनों सेम 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 है ये माइनस है प्लस है तो ही हम ऑड इवेंट के लिए जाते हैं उसमें भी ऑड है क्या इवेंट चेक करने के लिए ऑप्शन देखो क्या जीरो दिया यस बी जीरो है मतलब ये ऑड होने के चांसेस है 90 परसेंट चांस यही होता है ऑड होगा अब इसमें कैसे होगा तो वैसे ही करेंगे जहां भी एक माइनस कर दो जहां भी एक्स है समझो तो ये मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ये एफ एक्स है अब एक्स की जगह माइनस कर दो ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या होगा ये ई रेस्ट टू माइनस एक्स और ये माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स दिस अपॉन ये हो जाएगा e रेस्ट टू माइनस टू एक्स माइनस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिलेगा yes. सिंपलीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है वापस से वो क्या आ जाएगा इसको आप करना है, ये माइनस एफ आना ये आ गया तो हम बोलेंगे ये ऑड है अगर ये आ गया तो ऑड है ऑड है मतलब हीरो है लेकिन नॉट है क्या वो आप चेक करोगे उसके लिए वही तरीका देखो मैंने यहाँ पर जो तरीका बताया था एक तरीका ये था इसमें ये e रे टू माइनस होगा तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन e रे टू x करते हैं ऐसे यहाँ पर भी करना बच्चों हाँ के e रे टू माइनस 1 अपॉन e रे टू x करना इसको भी ये करना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो कटेगा सब और ये माइनस भरा के माइनस प्लस होगा तो ये आप करना कर लोगे ठीक है चलो अभी ये ऑड था अभी एक बहुत जबरदस्त तरीका हम देखेंगे तो एक दो चीजें देखनी है बच्चों टाइम है क्या अपने पास टाइम नहीं है पांच छह मिनट है ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मॉड वाले क्वेश्चन मॉड टू एक्स माइनस फाइव ये बार 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 पूछा जाता है 2023 में आप देखोगे मॉड वाले क्वेश्चन पूछे गए थे देखो अलग अलग वेरायटी का क्वेश्चन पूछना है जो सी सेल पूछता है वही तैयार करना है वैसे क्वेश्चन ज्यादा तैयार करना है समझ में आ रहा है ओके क्या क्या लिख रहे हो <coughs> एकदम एकदम देखो 2023 में ये क्वेश्चन है 2x एक्स माइनस दिख रहा है और ये मॉड है तो मॉड वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसकी ट्रिक होती है ओके और ये बार बार आते हैं 2023 में आते देखो अभी बार बार 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था अच्छा बदल बदल के आता है बट तरीका सबका सेम है मैथड इज सेम दो हजार बाईस में आया था ओके okay. देखो ये क्वेश्चन फाइव एक्स माइनस थ्री बट ये मॉड है मॉड जब भी मॉड होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करते हैं दो हजार बाईस में क्या आया था फाइव एक्स माइनस थ्री दो हजार तेईस में क्या आया टू एक्स माइनस फाइव दो हजार चौबीस में क्या आएगा ऐसा ही कुछ आएगा बदल के आएगा कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा आपको वैसे करना है ठीक है अभी सेम तरीके से और क्वेश्चन है देखो ये वाले क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये फंक्शन चैप्टर का है और यहां पर भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2022 में क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 23 में भी है 22 में भी ऐसे क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे इस तरह से तो हम कैसे उसको इंटीग्रेट करें समझ में आ रहा है हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये बहुत ही अनोखा ट्रिक है इसको ऐसे देखेंगे तो बहुत लंबा होता बट मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा इससे आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आसानी से सीखेंगे कि जब भी इस तरह के बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करें ये अभी और बॉक्स वाले हैं देखो ये इस तरह से बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स और मॉड दोनों साथ में भी पूछा जाता है दोनों को साथ में भी पूछ देते हैं बेटा समझ में आ रहा है बुक सीधा घर पे आती है क्या आएगा बेटा हाँ बुक घर पे आएगा परेशान मत हो जा जाए और कुछ क्वेश्चन है ये इतने क्वेश्चन है बट अभी हमारा टाइम हो गया है फिजिक्स का लेक्चर होता ना हमारे पास ओके सर okay, का लेक्चर है फिजिक्स का यस yes, तो अभी कल का लेक्चर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरा ही रख लेना ना कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे ये मॉड वाले क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन और प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी इनको हम कैसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो एक तरह से ये चैप्टर का फुल रिवीजन ही हो रहा है मस्त ओके वैष्णवी क्या लिखती हो बेटा थैंक यू सर फॉर योर इफर्ट यू आर द बेस्ट टीचर थैंक यू थैंक यू यस यस बच्चो थैंक यू एवरी पढ़ाई करते रहो रोज आओ रोज आना है लेक्चर में रोज आना है और रोज आना है ओके हमारा लेक्चर रोज हो रहा है बीच में सिर्फ फंक्शन की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हुआ था और होली होली था होली का होली हो गया है ये डेली आना है बेटा अच्छे से करना है चलो जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार नए लोग क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके और जिसको भी अगर क्रैश कोर्स में आना है हमारे ऐप के ऊपर बिल्कुल उसका स्वागत है जिसको बुक चाहिए फार्मूला बुक या ब्रह्मास्त्र बुक वो हमारी वेबसाइट एकलव्य पब्लिकेशन डॉट कॉम से ऑर्डर कर सकता है या हमारे ऑफलाइन सेंटर से खरीद सकता है क्या बिंदास अवेलेबल है अभी अवेलेबल है ओके और जिसको कोर्स में आना है हमारे ऐप के अभी टाइम बढ़ गया टाइम है मे में, में एग्जाम होगी गई पी सी एम की ओके बिंदास टाइम है क्रैश कोर्स में आओ और बहुत धमाकेदार तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा ठीक है चलो बाय बाय एवरी वन यस अभी पूछ रहे हैं अभी क्रैश कोर्स ले सकते हैं क्या बिल्कुल ले सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स में अभी भी जो है अवेलेबल है हमने ओपन ही रखा है बच्चों के लिए आप आ सकते हैं बाय बाय एवरीवन कल के लेक्चर में जरूर आना बहुत मजा आने वाला है और लाइव आया करो कोशिश करो लाइव आने का मजा आता है लाइव में चल बाय बायरी वन थैंक